नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सब लोग खाली एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के पहले T20 आई क्रिकेट कब आएगा बुकिंग के लिए। ये मुकाबला जो कि ग्वालियर में होने वाला है, ग्वालियर में ये मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले ये मुकाबला धर्मशाला में खेला जाना था, लेकिन रीशेड्यूल करके इसे ग्वालियर शिफ्ट किया गया है। तो बता दूं मैं आपको कि पिछले बार जो जानकारी मुझे मिली थी कि टेस्ट मैच की टिकटें जो हैं वो लगभग 10 तारीख के आसपास में आएंगी, 7 से 10 के बारे में जानकारी मैंने दी थी आपको। तो टेस्ट मैच की जो टिकट अवेलेबल हुई थी बुकिंग के लिए वो हुई थी 9 सितंबर 2024 को। उसके बाद से जो जानकारी आप आ रही है सेकंड टेस्ट मैच की, उसकी टिकट जो है वो लगभग 20 सितंबर के आसपास आने की संभावना है। अब अगर T20 मुकाबले की बात की जाए जो कि ग्वालियर में खेला जाएगा मुकाबला, तो इस मुकाबले की टिकट लगभग 25 सितंबर के आसपास आपको बुकिंग के लिए अवेलेबल दिखाई देंगी। कहाँ दिखाई देंगी? पेटीएम इंसाइडर पे। पेटीएम इंसाइडर के अलावा आपको इसकी टिकटें और कहीं नहीं मिलेंगी। ध्यान दीजिएगा, कहीं और सर्च करके कोई और टिकट मत बुक कर लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। स्कैम ये हो रहे हैं कि कई लोग टिकट बुक कर रहे हैं, टिकट बुक होने के बाद उनके पैसे कट जा रहे हैं। पैसे कटने के बाद न तो उनके पास में फिजिकल टिकट मिल रही है उनको, और न ही ई टिकट मिल रही है। पूरी तरह से वो स्कैम का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा। अभी इसके टिकट लाइन जो है ओपन नहीं है, लगभग 25 तारीख के आसपास में आएंगे। जब भी इसके बारे में जानकारी आएगी तो तुरंत मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अभी अगर आप चेक करेंगे पेटीएम इंसाइडर पे, तो इसके टिकट लाइन जो है खुली हुई है, लेकिन जो लाइनें खुली हुई हैं वो स्टेडियम वाली टिकट नहीं है, वो लाइव स्क्रीनिंग वाली टिकट है। तो जब भी इसकी लाइनें ओपन होंगी, तो जब आप चेक करेंगे इसके एड्रेस पे, तो वहाँ पे आपको ग्वालियर का एड्रेस लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई और एड्रेस लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि 25 तारीख के आसपास टिकट आएगी इसकी। जब भी इसके बारे में कोई नई जानकारी आएगी या टिकट की लाइन ओपन होगी, तो हर बार की तरह मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे वो लिंक दे दूंगा, जिस लिंक के थ्रू डायरेक्ट जाके आप इस मुकाबले टिकट बाय कर पाएंगे।